सुनह। जे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाव, भगत एह मन ठहरावे। गुरु रूप, गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुबारक है जीवन कि जो प्रभु दी प्यास लेके बैठे हो। कहिंदे ने इस रूहे जमीन ते कितने ही लोग आए और रुखसत कर गए, चले गए। एक नहीं, दो नहीं, अनंत अनंत दी गिनती। पर वो वापिस किस तरह गए? कहिंदे ने धर्म दी प्यास ही पैदा नहीं हुई, निरंकार दी तड़फन ही पैदा नहीं हुई, इसी तरह वापस चले गए, वापस चले। मैं आप जी नूं अर्ज करां, जेड़ा सिमरन आप जी ने कीता ते सिमरन करदियां करदियां वाहिगुरु दा जाप करदियां करदियां जे आप जी ने महसूस कीता होवे ता अंते करन दे विच एक कंपन पैदा होंदी है। सिमरन करदियां करदियां अंते करन दे विच एक ऐसी कंपन, एक ऐसी अगन, एक ऐसी तपस, वो तपस ही सब कुछ खेड खेड दी। इस अर्ज नूं समझना, जदों बीज नूं जमीन दे विच बीजदे आं ते उस नूं तपस चाहीदी होंदी है, ते उस तपस दे विच वो बीज गलदा है ते टुटदा है, ते जदों वो बीज टुटिया, बीज गलिया, बीज अंकुरित होया, जदों तक उस बीज नूं तपस नहीं दित्ती, अगन प्राप्त नहीं हुई, वो बीज कदे भी निगलेगा। एक और करना, ते परमात्मा दी जिहड़ी खोज है, बाहर दी खोज नहीं है, आप जी दे अंदर बैठा है। परमात्मा किते बाहर तो आप जी दे हिरदे विच प्रवेश नहीं करेगा, वो अंदर ही है, वो बीज। ते जिहड़ा वो बीज है उसने अंकुरित होना है, पर उसनों तपस चाहिदी है, गर्मी चाहिदी है। जेकर तपस प्राप्त नहीं हुई, गुस्ताखी माफ, वो बीज उत्थे ही खत्म हो जाएगा। जदों वो बीज उत्थे ही खत्म होया ते आप जी प्रभु दे दर ते पहुँच गए, वापिस चले गए, जवाब की होगा? इसनों एक गाथा दे राही मैं आप जी दे सामने रखना, गल समझ आ जावे। पिता अपने तीन बच्चियां नूं कहिंदा है, पहला मन विच सोचदा है कि अपना जितना भी राज काज है मैं किस दी झोली विच पावां, किस तरह पता लगे, काबिल कौन है, ते मेरे राज नूं अगां तक कौन चला सकदा है, मैं किस तरह परख करां। ते पिता ने एक अजीब खेड खेडी, और जिहड़ी खेड पिता ने खेडी ते बच्चियां ने जवाब किस तरह दिता, वो देखना। अपने तीनों ही बच्चियां नूं पिता बुलांदा है,
और कहता है मैं किते सफर ते जा रही हाँ। एक मुठ्ठी बीज एक बच्चे की झोली विच पाता है, दूजी मुठ्ठी दूजे बच्चे की झोली विच, और तीजी मुठ्ठी तीजे बच्चे की झोली विच। और कहता है मैं एक साल बाद मुड़ के आवांगा, ये अमानत मैं वापस लवांगा। और हाँ एक गल चेते रखना, ये विच आप जी का भविक छिपया होया है। भविक जितना भी बीज आप जी की झोली विच पाया, ये विच आप जी का भविक छिपया है, जिवें बीज दे विच भी भविक छिपया होंदा है। बीज ने दरखत बनना है, ये उहदा भविक है। आत्मा ने परम स्वरूप दे नाल मिलन करना है, ये उहदा भविक है, उहदा भविक है। ते पिता जदों एक साल का समा मंग के जाता है तो एक बच्चा की कहता है, कहता है कि एक साल तक इस बीज नूं मैं किस तरह सांभ के रखांगा, ठीक होवेगा मैं इस नूं वेच दवां, ते जदों पिता ने आके मंगना है मैं एक मुट्ठी बीज फिर खरीद के पिता की झोली विच पा देवांगा, क्योंकि पिता ने कहा सांभ के रखना। हुण दूजा बच्चा सोचता है कि पिता ने बीज तो मेरी झोली विच पाया है, पर यह भी कह दिता तेरा भविक भी इहदे विच छिपिया होया, किते कोई गलती ना हो जाए। बीज नूं मैं सांभ के रखा, तो उसने की किया तिजोड़ी दे विच ओ एक मुठ्ठी बीज उहदे विच पा दित्ती। हुण तीजा की कहिंदा है, हुकम मैनू भी है पिता दा, बीज की संभाल करनी है, हुण मैं किस तरह संभाल करा। एक ने तो बाजार दे विच वेच दिता, दूजे ने तिजोड़ी विच बंद कर दिता, हुण मैं की करा। उस तीजे ने की किया कि अपने घर के पिछवाड़े ते जाके एक भूमि तैयार की और उदे विच सारा बीज बीज दिता, सारा बीज। एक साल के बाद जो पिता आउंदा है ते बच्चे नूं कहिंदा है बीज कित्थे, कहिण लगे हे गुरदेव पिता पंज मिनट का समा दे दवो मैं बीज खरीद के लियाना। पंज मिनट का पिता कहिंदा है नहीं, जो कुछ भी मैं गल कहना चाहुंदा सी तो समझ नहीं पाया। खैर दूजे बच्चे नूं पुछिया जो तेरी झोली विच मैं बीज पाया सी ओ किथे, कहण लगे हे गुरदेव पिता आप जी दी अमानत मैं सांभ के रखी है, सांभ के रखी है, मैं तिजोड़ी खोल के ओ बीज आप जी नूं दिखाना। जदों ओ तिजोड़ी खोलदा है तां उत्थे बीज नहीं सी, उहदे विचों तां दुर्गंध आ रही सी, क्योंकि सारे दा सारा बीज सड़ गया, खत्म हो गया। जदों तीजे नूं पुछिया हुण तूं बोल, तां तीजा की कहिंदा है, कहिंदा हे गुरदेव पिता जो बीज आप जी ने मैनूं दित्ता सी एक मुठ्ठी, हुण एक मुठ्ठी बीज वापिस करना जरा मैनूं शोभा नहीं दिंदा। तां मेरे मन विच ख्याल आया एक मुठ्ठी बीज पिता ने मेरी झोली विच पाया, मैं क्यों ना उसका अनंत अनंत रूप बना के मैं पिता की झोली विच पावां, अनंत अनंत रूप बना के मैं आप जी की झोली विच पावां। ये वेख जितना बीज मैंने दिता सी मैं सारा बीजिया होया है, और एक एक बीज तो फिर अनंत अनंत बीज पैदा हो गए ने, अनंत अनंत ये सब कुछ आप जी की झोली विच है, सब कुछ। हुण जो आप जी ने सिमरन किया है की है, प्रभु ने जिहड़ी श्वासां दी दौलत जो बीज आप जी दी झोली विच पाया उसनों अनंत अनंत गुणा करके आप जी वापस ले जाओगे, अनंत अनंत गुणा करके। ते कितनी वड्डी खुशी आप जी प्राप्त करोगे अपने पिता तो, कितनी वड्डी खुशी, ये आप जी दे सामने गल है।
आप जी ने कहना, हे प्रभु जितने श्वास बख्शे सी मैं हर एक श्वास दे नाल वाहेगुरु 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 का सिमरन किया है और वो किया होया सिमरन दरगाह विच कबूल हो गया। एक मैं होर अर्ज करा, जदों कोई कागज सामने पिया हो बहुत कीमती बोल लिखे होण आप जी दे सामने पिया है पर आप जी की नज़र नहीं जाएगी, कागज है कुछ भी लिखिया हो सकता है कुछ भी, पर उस कागज ते असी दूजे दिन की किया किसी सरकारी ऑफिसर की मोहर लगा दिती ते आप जी ने वो कागज देखना ते देखते सार ही कहना जरूर इस कागज ते बहुत कुछ लिखा होगा क्योंकि कागज ते मोहर लगी हुई है। ते जदों असी हर एक साह ते धन गुरु नानक साहब की मोहर लगाते जाइए वो कागज कबूल है, वो साह कबूल है जिस साह ते मोहर लगी होवे धन गुरु नानक दी सिमरन दी, जिस कागज ते मोहर लगी होवे जिस श्वास ते। तो परमात्मा की खोज बाहर की खोज नहीं है अंदर की खोज, पर की चाहिदा है कहिंदे ने जो सिमरन कीता सिमरन करदियां करदियां हिरदे विच तड़फन पैदा होंदी, तड़फन पैदा होंदी, एक कंप कंपी पैदा होंदी है, कंपन पैदा होंदी है सिमरन दे विच। ये गौर करना, जे अजे तक गौर नहीं कीता कल करना, कल करना। जदों आप जी एक मन एक चित हो के सिमरन पई करदे हो ते उस वेले हिरदा कंबदा है भावें एक मिनट लई भावें अधे मिनट लई कंबदा है। कहिंदे ने कि वह कंपन कंपन नहीं है, वह तपस है, वह अग है और उस अग दे विच उस तपस दे विच कहिंदे ने वह नाम रूपी बीज अंकुरित होंदा है, अंकुरित होंदा है और उस बीज दे नाल जदों वह बीज अंकुरित होया इतनी आप जी नूं खबर है कि एक बीज दे नाल सारी धरती ते बनस्पति उगा सकते हैं, एक बीज दे नाल, एक बीज दे नाल और उसे एक बीज नूं असी मिटा भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, साड़ भी सकते हैं वही बीज। पर हाँ जदों उस बीज नूं तपस मिली है बीज अंकुरित होया है अगां समझना, जदों असी किसी एक कण नूं तोड़दे हाँ ते तोड़दियाँ तोड़दियाँ एक अवस्था ऐसी पहुँचती है जिथे अणु टुटन तो रह जाता है, नहीं टुटता। इतने आप जी नूं खबर है कि अखीरला अणु ऐसा आउंदा है जो टुटन तो रह जाता है, नहीं टुटता। पत्थर नूं तोड़दे जाइए तोड़दे जाइए तोड़दे जाइए एक हिस्सा ऐसा भी आएगा जिसनों तोड़ना मुश्किल हो जाए। विज्ञान उसनों तोड़ता है जिसका नाम पै जाता है परमाणु, परम अणु सब तो छोटा अणु जदों उसका विस्फोट होया तो कितनी ताकत पैदा हुई, कितनी शक्ति पैदा हुई जदों उसनों तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते। उसे तरह जदों मनुख की चेतना नूं असी सिमरन दे राहीं तोड़िए सिमरन करके तपस दईए तपस देंदे गए तपस देंदे गए ते एक दिन ऐसा आया कि इस चेतना दे विच जदों विस्फोट होया उत्थे परम आनंद दा जन्म होया, उत्थे परमात्मा दा प्रकाश होया परमात्मा दा अनुभव होया। हुण एक दो गल्लां होर भी समझ लेना कि जेकर प्रभु की प्यास नहीं है तो संसार की कोई ताकत आप जी नूं रब नाल नहीं मिला सकती, गुस्ताखी माफ तड़फन ही नहीं है प्यास ही नहीं है।
और जे किधरे परमात्मा की तलब है, परमात्मा की प्यास है, मैं यकीनन कहना संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती प्रभु मिलन ते, क्योंकि प्यास है, तड़फन है, और तड़फन ही आप जी ने खिंच के लियाई है, तड़फन ही प्यास है। जदों संगत विच बैठते हाँ, सिमरन करते हाँ, ये चार पड़ाव होंदे ने, तो जे चार पड़ाव कित समझ विच आ जाण, सिमरन करदियां करदियां ओह मैं अर्ज करन लगा, जदों रसना दे नाल वाहेगुरु का सिमरन किया, सिमरन करदियां करदियां इस सिमरन का नाम है बैखरी सिमरन। रसना बोलती है, कन्न सुनदे ने, बैखरी। जदों ये बैखरी सिमरन बहुत मजबूत होया, बहुत गहरे तल ते पहुँचया, फिर रसना खामोश हो गई, पर फिर भी वाहिगुरु चल रहा है, चल रहा है। इसनों की कहंदे ने, इसनों कहंदे ने मध्यमा। रसना बोलती नहीं है लेकिन चल रहा है, मध्यमा। मध्यमा तो जिहड़ा अगला पड़ाव है, जिहदे विच रसना भी नहीं बोल रही ते सिमरन भी नहीं चल रहा, पर एक अलौकिक आनंद आ रहा है। बस बैठे हो प्रभु दे कोल, गुरु ग्रंथ साहब के करीब बैठे हो, संगत विच बैठे हो, ना कोई विचार है, ना कोई बोल ने, ना कोई मंग है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जे मैं इसनों इस तरह कहां कि बच्चा रोंदियां रोंदियां अखीर विच खामोश हो जाता है, ते उहदे अखां दे हंजू भी सुक जाते ने, बस बैठा रहिंदा। पहला रोंदे सी, कुछ मंगदे सी, कुछ तलब सी, कुछ मंग सी, पर हुण कुछ भी नहीं है। इसनों कहिंदे ने पशियंती दी अवस्था। बस बैठा है अपनी धुन दे विच, बैठा है अपनी धुन विच। इस तों भी एक गहरा पड़ाव होर है, वो पड़ाव है जिसनों कहिंदे ने परा। परा विच की होंदा है, कहिंदे ने नदी सागर दा रूप हो गई, आत्मा परमात्मा दा रूप हो गई। सागर में बूंद, बूंद में सागर, ये अवस्था है। पर अरंभता कितों हुई है? बैखरी तो, बोल बोल के सिमरन कीता, बोल बोल के सिमरन कीता, फिर जदों सिमरन कीता तो मैं आप जी नूं ये भी अर्ज करांगा, ते सिमरन करन तो बाद भावें दो मिनट लई, भावें एक मिनट लई, फिर पूरन तौर ते खामोश होके बैठ जाना, खो जाना। मैनू एक गल चेते आई जो अनुभव की भी गल है, और कुछ विद्वानों के ये बोल भी ने कि जदों उस अवस्था विच बैठना है उत्थे की करना है बैठ के, वो एक उदाहरण मैं आप जी को दे रही हूँ। नेपाल दे विच एक मंदिर है, तो इतना सुंदर वो मंदिर बनिया, तो बुलाया सम्राट नू, आप जी आके वेखो। तो सम्राट उत्थे पहुँचता है, तो प्रबंधक उस सम्राट नू कहंदे ने ये अस्थान इत्थे लंगर बनता है, ये अस्थान इत्थे होर किस्म के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, ये तीजा अस्थान। तो जदों वो इस तरह वारी वारी दसते जा रहे हैं, तो बादशाह कहता है कि ये अस्थान इत्थे की करते हो? तो जदों वो उस वल इशारा करता है कि इत्थे की करते हो, तो वो दसन वाले सज्जन उसका ध्यान कितने होर पासे ले जाते हैं, फिर कहते हैं ये चौथा कमरा है, ये इस कम आता है, ये पंजवां कमरा है, ये इस कम आता है,
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੋ ਜਾਣਾ, ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਨੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੂਨੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂਕਾਰਾ, ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਧੁੰਦਕਾਰ, ਧੁੰਦਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੁਝਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੇ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕੰਡੇ ਨਾ ਵੇਖ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਘਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਨਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਇਤਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਹੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਖੁਦ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਸ ਰੱਖੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਦੀ, ਵਿਕਲਪ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੋਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਕਲਪ, ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਲਪ ਔਰ ਵਿਕਲਪ ਇਤਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਸਾਧੂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
गुरमुख का संकल्प की है? वो कहता है सिमरन करना है तो करना ही है, करना ही। जिवें बाबा फरीद जी कहते ने कि भावें राह दे विच अनेक अनेक रुकावटा ने, तां भी आप जी कहते ने भेजों सिजों कंबली अल्लाह वरसे मह, जाए मिला तिना सजना टूटे ना ही न जाना है। नहीं नहीं टुटना चाहिए, इतना कुछ ही तो होगा ना, कपड़े गिले होंगे और की होगा, इस तो वध होर की हो सकता है? मेरे कीमती चप्पल जोड़े उ तो गिले हो सकते हैं, और की हो सकता है? पर मैं जाना है, जाना है, क्योंकि नह प्रेम। इत्थे एक मैं अर्ज करा, धन गुरु रामदास साहब नू पुछ लिया संगतां ने, महाराज भाई गुरदास दी वार आप जी दे बोल जिन्हां दे विच कुछ उदाहरण ऐसे ने जो दुनियावी तल ते तां खरे उतरदे ने पर धर्म दी दुनिया विच खरे नहीं उतरदे, उन्हां दा जिक्र क्यों आउंदा है? उन्हां दा जिक्र आप जी नू जेकर मौका मिले ते भाई साहब भाई नंद लाल दी जिंदगी नामा पढ़ के देखना। भाई नंद लाल, भाई नंद लाल नू एक कवि आके कहंदा है महाराज तू भी कवि है मैं भी कवि हाँ, वो वखरी गल है। आप जी शिखर ते पहुंचे हो, मैं उतना शिखर ते नहीं हाँ, पर मेरी भी एक रचना है, जे तू कह तां मैं सुणावां। कहण लगे आप जी सुना सकदे हो, जो मैं अर्ज कर रहा इहो बहु जिंदगी नामा दे विच लिखिया होया है, आप जी सुना सकदे हो, पर पहला ये तो दस रचना किस तरह की है, की लिखिया है तू? कहण लगे मैं किस्सा लिखिया है लैला मजनू दा, इन्हां दोवां दा। भाई साहब जी कहंदे ने चंगा फिर मैनूं सुना सुना, कहंदे ने आप जी किस्सा सुणदे ने ते किस्सा सुणदियां सुणदियां आप जी दे नेत्र सजल हो जांदे ने, भाई नंद लाल दे। कहंदे ने जुबां तो बोलिया नहीं गया, ये अर्ज नूं समझना। जदों भाई नंद लाल जी ये किस्सा सुनदे ने, सुनदियां सुनदियां आप जी दे नेत्र सजल हो गए, बोलिया नहीं गया, आप जी ने बांह फड़ ली कवि दी, कर लगे बस इस तों अगा नहीं। महाराज मैं तो बहुत कुछ लिखिया है, बहुत कुछ लिखिया है, हाले तो सुनो। ते आप जी ने जिंदगी नामा विच लिखिया कि जितना कुछ भी तू सुनाया ए सुनदियां सुनदियां मेरी जिहड़ी चेतना सी वह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में पहुँच गई। जे किधरे तू होर किस्सा अगे मैनू सुनाएगा तो कित ऐसा ना हो कि मैं अपनी जान तो भी हथ धो बैठा, मेरे तो रहा नहीं जाएगा, तड़फन ऐसी पैदा हो रही है, ऐसी तड़फन पैदा। कहंदे ने आप जी ने वह किस्सा पूरा नहीं सुनिया? कहण लगे नहीं, इतनी तड़फन इतना प्यार। हाँ महाराज इतना प्यार इतनी तड़फन। तो धन गुरु रामदास पातशाह नूं जदों सिख संगत पुछदी है महाराज इस तरह दे बोल धार्मिक अस्थानां ते कथावां दे विच ऐसे बोल सुनाए जांदे ने, इस दा कारण की है? जरा कारण भी दसो। सतगुरु जी ने कारण दसिया और कहण लगे कारण मैं अज नहीं दसांगा, मैं कल दसांगा। कहण लगे महाराज ठीक है, जे अज नहीं दसना आप जी की मर्जी है, कल दसना। कल की होया? इतफाक दे नाल
बरसात हुई तो संगत एक भी नहीं आई, एक भी नहीं। तीजे दिन संगत पहुँचती है, धन गुरु रामदास पातशाह कहते हैं हुण सवाल पुछो, जिहड़ा सवाल पूछना है। सवाल पूछा तो धन गुरु रामदास पातशाह जी कहते हैं कि इस रोहे जमीन ते उन्होंने किस्से इस करके गाए जाते हैं कि उन्होंने रूहानियत प्रीत जगत के सामने रखते हैं कि प्रीत इस तरह की होवे, रूहानियत प्रीत ना कि शारीरिक प्रीत। उन्होंने रूहानियत प्रीत सी मिलना है। जेकर उस तरह की प्रीत एक सिख की गुरु के नाल होवे कि गुरु के दर पर जाना है तो जाना ही है, फिर धन गुरु रामदास पातशाह दे बोल ने वो मैं कह के समाप्ति वाला आप जी कहते हैं झखड़ झाकी मीह वरस है भी गुरु देखण जाई समंद सागर होवे बहुकारा गुर सिख लंघ गुरु पै जाई। ये उदाहरण इस करके दिते जाते ने जे प्रीत होवे तो इस तरह की होवे। कल सात तक की हुई आप जी दे विचों एक भी नहीं आया, कहन लगे प्रीत इस नूं नहीं कहिंदे, प्रीत उस नूं कहिंदे ने भावें कितना भी जरूरी काम होवे पहला संगत करनी है, पहला सिमरन ते बैठना है, पहला संगत विच बैठना है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुरु दे नाल जे मिलन करना है तो संगत ही सब तो वड्डा एक सबूत है। संगत विच बैठना, गुरु दे बोल सुनने और गुरु दे नाल मिलन, और गुरु दे नाल मिलन ही परमात्मा दा मिलन है। गुरु साहब जी रहमतां करन, ये प्यार आप जी ने सारियां नूं बख्शिश करन, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।